टोपोलॉजी में आगे देखते हैं। देखते हमने क्लोज सेट पढ़ा था, ओपन सेट पढ़ा था, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसकी। आगे कुछ इसकी थ्योरम्स और प्रॉपर्टी समझाता हूँ मैं आपको। देखिए, अगर हम क्लोज सेट की बात करें तो एक्स टाउ कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, जी कोई क्लोज्ड, जी कोई ओपन सेट है। अगर मैं एफ कोई सेट लेता हूँ उसको क्लोज्ड कहता हूँ, तो एफ का जो कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए वो ओपन होना चाहिए, ठीक है? ये क्लोज्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्लोज्ड कहलाएगा। अब देखिए, टोपोलॉजी की सेकंड कंडीशन जो है टी टू कहती है कि दो आर्बिट्री यूनियन, सॉरी, दो टी ओपन सेट है तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, टोपोलॉजी में बिलोंग करेगा। और तीसरी प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि आर्बिट्री यूनियन ऑफ जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग टू इंडेक्स सेट टोपोलॉजी में बिलोंग करेगा। इनका जस्ट रिवर्स हो जाता है। देखिए, यहां जो फाइनाइट में है, क्लोज्ड के अंदर क्या हो जाएगा, ये मैंने ओपन लिया, क्या लिया, ओपन, यहां लिया क्लोज्ड सेट लिया। तो अब देखते हैं हम फाइनाइट का यूनियन जी वन यूनियन जी टू, ये इंटरसेक्शन है, ये टी क्लोज्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी क्लोज्ड हो जाएगा। और आर्बिट्री इंटरसेक्शन जो हो जाएगा, सॉरी, इसको हम क्लोज्ड को एफ से नोट करते हैं ना, एफ वन यूनियन एफ टू टी क्लोज्ड हो जाएगा, इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट होता है ना क्लोज, ठीक है? और इंटरसेक्शन ऑफ एफ लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ये यूनियन में है, तो इंटरसेक्शन ये क्या हो जाएगा, टाउ क्लोज्ड सेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाउ क्लोज्ड सेट हो जाएगा। अब देखते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं, क्या आर्बिट्री, ये फाइनाइट यूनियन तो है, क्या आर्बिट्री यूनियन नहीं हो सकता क्लोज्ड का क्लोज। देखिए, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, वन अपॉन एन और वन, ये क्या है, क्लोज सेट है, एवरी क्लोज इंटरवल इज ए क्लोज सेट, इसलिए ये सेट कैसा है, क्लोज है। अब अगर मैं इसका आर्बिट्री यूनियन ले लू, ठीक है, आर्बिट्री यूनियन इसका ले लेता हूं मैं, आर्बिट्री यूनियन क्या आएगा, वन अपॉन एन कॉमा वन, आर्बिट्री यूनियन इसका लेंगे तो एन टेंस टू इंफिनिटी पे ये जाएगा जीरो पे, जबकि जीरो इसका मेंबर नहीं है, वन पे क्लोज्ड है, तो राइट हाफ ओपन आ गया, ये क्लोज्ड कहां रहा, ये क्या है आपका, नॉट क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड। तो इसका मतलब हमने एक एग्जाम्पल ऐसा लिया जिससे ये पता चला कि क्या आर्बिट्री यूनियन भी हो सकता है, जैसे यहाँ आर्बिट्री यूनियन ओपन का ओपन होता था, मैंने कहा आर्बिट्री इंटरसेक्शन होता है, मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया, क्या आर्बिट्री यूनियन क्लोज्ड का क्लोज्ड हो सकता है, तो हमने एक सेट ले लिया ऐसा, इसका जब आर्बिट्री यूनियन लेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, एन टेंस टू इनफिनिटी पे वन कॉमा, ये तो सिंगल टर्न, फिर वन बाई टू कॉमा वन, ये पूरा सेट जो मिलेगा आपको एन टेंस टू इनफिनिटी पे जीरो कॉमा वन मिल जाएगा, राइट हाफ ओपन, दिस इज नॉट क्लोज सेट, ठीक है? समझते हैं थ्योरम्स को। द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली, यही पढ़ा था ना हमने, इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज सेट, प्रूफ करना है, कोई भी आर्बिट्री फैमिली लीजिए क्लोज सेट की, क्लोज्ड होगी। प्रूफ देखिए, मैंने कंसिडर किया एफ लैम्डा क्या है, एनी आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट, ये क्लोज सेट्स का आर्बिट्री कलेक्शन है, बहुत सारे क्लोज सेट्स का आर्बिट्री कलेक्शन है, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, आर्बिट्री कलेक्शन इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ, किसी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ में क्लोज सेट का कलेक्शन है। देन वी हैव टू शो दैट इंटरसेक्शन, इट मींस आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, ये प्रूफ करना है मुझे। अब देखिए, मैं क्या करता हूं, इन इंटरसेक्शन, आर्बिट्री इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूं, जैसे ही इसका कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो डिमॉर्गन्स लॉ से क्या हो जाएगा, यूनियन बाहर आ जाएगा, इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो एफ लैम्डा है, एफ लैम्डा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बाय डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है, डिमॉर्गन लॉ से। अब देखिए, आपको पता है एफ लैम्डा क्लोज्ड है, देखिए एफ लैम्डा जो है क्लोज्ड है, तो एफ लैम्डा कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, एफ लैम्डा कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ओपन, इसका मतलब ये क्या है, ओपन है। और आप टी थ्री की कंडीशन जानते हैं, एफ लैम्डा कॉम्प्लीमेंट मेरे पास ओपन है, ध्यान दीजिएगा, तो आप टी थ्री जानते हैं, टोपोलॉजी की थर्ड कंडीशन क्या कहती है, आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ये ओपन है और बाहर से क्या लगा है, आर्बिट्री यूनियन, आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, दिस मीन्स राइट हैंड साइड वैल्यू इज ओपन, राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई, ओपन, और राइट हैंड साइड की वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है, इसका मतलब इस टोटल क्वांटिटी का कॉम्प्लीमेंट ओपन आ रहा है, तो इस कॉम्प्लीमेंट को हटा दोगे तो मिलेगा आपको क्या, ये मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। तो आपने क्या पढ़ा, आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, जस्ट ये कॉम्प्लीमेंट होते हैं एक दूसरे के, ओपन और क्लोज, एक रिजल्ट तो ये पड़ा।
दूसरा देखिए, द यूनियन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, फाइनाइट कलेक्शन क्लोज का क्लोज होगा, आर्बिट्री कलेक्शन नहीं होगा। उसके लिए एग्जाम्पल ये देखिए, वन अपॉन एन कॉमा एफ लेमडा मैंने मान लिया, इसका आर्बिट्री यूनियन जैसे ही लिया तो ये मिल गया, राइट हाफ ओपन मिल गया, सॉरी लेफ्ट हाफ ओपन मिल गया, और ये क्लोज नहीं होता है। ये क्लोज होता है ना, एवरी क्लोज इंटरवल इज ए क्लोज सेट, तो आर्बिट्री यूनियन नहीं होता, हमने एग्जाम्पल से देखा, लेकिन फाइनाइट यूनियन होता है, उसको प्रूव करेंगे। उसके लिए हमने क्या लिया, एफ लैम्डा बी फाइनाइट कलेक्शन, एफ आई, आई से नोट कर रखा, आई वेरी फ्रॉम वन टू एन, आई की जो वैल्यू है वन कॉमा टू कॉमा थ्री अप टू एन एन तक वेरी करेगी। ये कुछ फाइनाइट कलेक्शन, फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट ले लिए मैंने एफ लैम्डा, किसमें से, टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ में से कुछ फाइनाइट क्लोज सेट का कलेक्शन लिया। अगेन इसमें डिमॉर्गन का अप्लाई करेंगे हम, देन वी हैव टू शो दैट, हमें प्रूफ क्या करना है, ये जो फाइनाइट यूनियन होगा आई बराबर वन टू एन, आई बराबर वन टू एन जो फाइनाइट यूनियन होगा वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा, प्रूफ करना है। देखिए आई बराबर वन टू एन एफ आई का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, बाय डिमॉर्गन्स लॉ लिखा नहीं है, डिमॉर्गन्स लॉ से क्या हो जाएगा, ये यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ लैम्डा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि एफ आई आपने क्लोज्ड ले रखे हैं, क्या ले रखे हैं, क्लोज्ड, तो एफ आई कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ओपन। इसका मतलब राइट हैंड साइड का मेंबर कैसा आ गया, ओपन आ गया। राइट हैंड साइड का मेंबर ओपन आने का मतलब ये लेफ्ट हैंड की वैल्यू राइट हैंड के बराबर है, तो ये भी ओपन हो गया, इसका मतलब ये ओपन हुआ, यूनियन ऑफ आई बराबर वन टू एन एफ आई कॉम्प्लीमेंट ओपन हुआ, आई कॉम्प्लीमेंट ओपन, तो इसका मतलब ये टोटल वैल्यू ओपन है। और आप टी टू से जानते हैं, सेकंड कंडीशन से, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट मेंबर ऑफ टोपोलॉजी मतलब ओपन के, टी ओपन सेट इज ओपन, दैट्स व्हाई दिस इज ओपन, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, ये जो चीज आ रही है इसके बराबर आ रही है, ये ओपन है मतलब ये ओपन है, यूनियन ऑफ एफ आई कॉम्प्लीमेंट ओपन है। अगर यूनियन ऑफ एफ आई कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो जब आप कॉम्प्लीमेंट को हटाते हैं तो आपको यही मिलता है, तो ये क्या चीज है, आई बराबर वन टू एन एफ आई, ये कॉम्प्लीमेंट आपको ओपन मिला तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, इसका मतलब फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज हो गया। जो वहां ओपन होता है यहाँ क्लोज हो जाता है, जो वहां क्लोज सॉरी जो वहां इंटरसेक्शन में होता है वो यहाँ यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है, जो यूनियन में होता है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, वहां मतलब ओपन के अंदर। अब देखिए इसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर हम बात करें सिंगलटन सेट की, देखिएगा ध्यान से, सिंगलटन सिंगलटन सेट क्या है, ए है, ठीक है, एक ऐसा सेट होता है क्या क्लोज्ड होता है या ओपन होता है, इसको समझते हैं। देखिए ए जो सेट है वो क्लोज्ड होता है या ओपन होता है, कैसा होता है इसको देखते हैं। तो इसको देखने के लिए हमने क्या किया, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, सिंगलटन का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो क्या मिलेगा, माइनस इनफाइनाइट से ए यूनियन ए टू इंफिनिटी, यही मिलेगा, ये रियल लाइन है, इसमें यहां कहीं ए था तो ये माइनस इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, ए इंक्लूड कर रहा है, जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यहां से लेके यहां तक आएगा, ए भी एक्सक्लूड होगा, फिर यहां से यहां आएगा, और आप जानते हैं टोपोलॉजी की सेकंड कंडीशन क्या कहती है, दो ओपन का यूनियन ओपन होता है, ये ओपन है, एवरी ओपन इंटरवल इज ओपन सेट, हर ओपन इंटरवल एक ओपन सेट होता है, हमको जानते हैं इसको, तो ये भी ओपन है और ये भी ओपन है, और टी टू कहती है कि दो ओपन का यूनियन भी ओपन होता है, राइट हैंड साइड का मेंबर ओपन आ गया, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट सिंगल इस एफ का कॉम्प्लीमेंट ओपन आ रहा है, तो एफ कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो एवरी सिंगलटन सेट इज ए क्लोज सेट, हर सिंगलटन सेट को आप क्या कह देंगे, क्लोज सेट कह देंगे। अब मैं बात करता हूं, एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा है, देखिएगा वो एग्जाम्पल ये है कि एनी फाइनाइट सबसेट ऑफ ए रियल लाइन, कोई भी फाइनाइट सबसेट लीजिए आप, एस बराबर एक सबसेट ले लीजिए फाइनाइट ए वन ए टू ए एन, ये हमेशा क्लोज्ड होगा, ऐसा क्यों, अभी हमने पढ़ रखा है कि सिंगलटन ए क्या होता है, क्लोज्ड होता है, क्या होता है, क्लोज्ड होता है, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री यूनियन ए फोर यूनियन डॉट डॉट ए एन, और अभी हमने पढ़ा था आई बराबर वन टू एन, ये अगर क्लोज्ड है ए आई, अगर ये क्लोज्ड है तो फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड इज क्लोज्ड, That's why this is closed. और ये क्या है, ये है, तो कह रहा है एनी फाइनाइट सबसेट ऑफ द रियल लाइन इज ए क्लोज सेट, कोई भी फाइनाइट सबसेट आप रियल लाइन का लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्लोज मिलेगा, ये क्लोज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स।